ये आकाशवाणी है, उजालों का राही। आज प्रस्तुत है जितेंद्र कपूर का लिखा ये नाटक। तो लीजिए सुनिए नाटक उजालों का राही। कुमार शुक्ल है, चंपारण जिले के एक छोटे से गांव में मेरा घर है। अपनी जवानी के दिनों में मैं वहां नील की खेती करता था। मुझ जैसे 19 लाख किसान अपने जीवन का ऐसा कोड़ समझते थे जिससे जीते जी छुटकारा पाना तो मुमकिन नहीं था। याद है मुझे वो सब, उस दिन भी तो जब महतो मेरे पास आया था। सुकुल जी, 6 महीना बीते, आप लखनऊ कांग्रेस में गए, पर अभी तक कछु हुआ नहीं। हमारी दशा तो जस की तस है। क्या बताएं महतो जी, अब प्रस्ताव तो मेरे सामने ही पास हुआ था। फिर असल बात तो ये है कि जब महात्मा गांधी खुद अपनी आंख से हमारी दशा देख लेंगे तभी हमारा उद्धार होगा। अब 6 महीने से नगर नगर उनके पीछे घूम रहा हूं, और वो बेचारे तो आना भी चाहते हैं पर कोई संजोग ही नहीं बन रहा। अब कल सांझ ही उनका तार आया है कि कलकत्ता में भूपेंद्र बाबू के घर पर हूँ। अच्छा, आ जाओ तो तुम्हारे साथ जहाँ ले चलोगे चलूंगा। अब रात पसंजर गाड़ी से कलकत्ता जाऊंगा, देखो क्या होता है। राजकुमार शुक्ल जी, हम पटना तो जा रहे हैं पर आगे के बारे में तो सोच लें। महात्मा जी, वो तो हमने कलकत्ता से चलने से पहले ही सोच लिया था। हाँ, जैसी कि भूपेंद्र बाबू की भी सलाह थी, हम पहले राजेंद्र प्रसाद जी के बंगले पर जाएंगे। बिहार के नामी वकीलों में उनका नाम आता है। देख लो भाई, मैं तो राजेंद्र प्रसाद से मिला नहीं हूँ, तुमने उनसे समय तो ले लिया है। समय लेने की तो जरूरत ही नहीं थी, आपके तो दर्शन करते ही वो गदगद हो जाएंगे। लगता है पटना आने वाला है। मैं तनिक सामान समेट लूंगा। अच्छा, पटना आ गया। महात्मा जी, ये आप तनिक सामान पर नजर रखिएगा, मैं बाहर इक्का ठहरा कर आता हूं। आइए महात्मा जी, इक्का बैठिए। संभल कर बैठिए। बस 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 भैया, अरे भैया रोक लो रोक लो। हाँ, हमको यहीं उतरना है। जी मालिक। आइए आइए महात्मा जी, संभल कर मालिक। हाथ दीजिए। बंगला आ गया। ये लो भाई तुम्हारा भाड़ा। जी, राम राम मालिक। मैं जरा भीतर जाकर प्रबंध करता। अच्छा अच्छा अच्छा, राम।
क्या कह रहे हैं वो इतनी दूर से उनको लेके आए हैं, बाहर खड़े हैं और तो देखिए हम आपको जानते नहीं। अरे ठीक है, हम आपको जान रहे हैं। सुनिए, हम दरवाजा कैसे खोल सकते हैं? महात्मा गांधी आदेश नहीं है, महात्मा गांधी हैं वहां बाहर खड़े। अरे ठीक है, तो मजबूर समझे आप इधर बाहर पर हम रुक जाएंगे। महात्मा जी, क्यों क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, राजेंद्र बाबू किसी केस के सिलसिले में जगन्नाथपुरी चले गए हैं। नौकर लोग मुझे जानते नहीं हैं, इसलिए कमरा खोलने में हिचके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बरामदे में ठहरने का प्रबंध कर दिया। हाँ यही बस, ये गेट के पास दो पाखाने बने हैं, आप दिशा सोच हुआइए, फिर कुएं पर नहा लीजिए और फिर उसके बाद सोचेंगे। शुक्ल जी, एक काम करो भाई जी, मेरे एक जान पहचान वाले हैं यहाँ, यहाँ मौलाना मजहरुल हक, उनके नाम एक चिट्ठी देता हूँ, आप उनके पास चले जाओ। महात्मा जी आइए आइए। मौलाना साहब, नाहक आपको तकलीफ देनी पड़ गई। शुक्ल जी, जी गर्मी में लंबा सफर करके आ रहे हैं मौलाना साहब, कुछ पानी वानी? हाँ हाँ ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, हम अभी चलकर जलपान का बंदोबस्त करते हैं। मौलाना मजहरुल हक साहब जी, शुक्ल एक बहुत नेक इंसान है, चंपारण में नील की खेती करता है। नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा तो आप जानते ही होंगे जी। बस एक लगन है उसे कि किसी तरह उनका उद्धार हो जाए। कांग्रेस से मुझसे बड़ी उम्मीदें हैं उसे, इसीलिए मुझे यहाँ ले आया है, लेकिन यहाँ उसे कोई जानता तक नहीं। समझ में नहीं आता कि कहाँ से कैसे काम शुरू करूं। गांधी जी, इसमें सोचने की क्या बात है, अब आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी मदद करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना साहब। मुझे ध्यान आता है मुजफ्फरपुर में कोई ग्रियर भूमिहार कॉलेज है, वहाँ पर अंग्रेजी के एक प्रोफेसर हैं, जोईत राम भगवान दास कृपलानी, मेरे परिचय। अच्छा, और उन्हें तार द्वारा आने की खबर दे देता हूँ, शायद उनसे कोई मदद मिले। बिल्कुल सही फरमाया आपने, आइए यहाँ बैठिए जी, तार रास्ते में ही दे देंगे। ठीक है, चलिए आइए। आ जाओ भाई शुक्ल जी। जी, और मौलाना साहब के घर चलना है। कृपलानी जी को तार दिलवाकर उसी सांझ हम दोनों मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गए। आधी रात के बाद जब गाड़ी मुजफ्फरपुर पहुंची तो कृपलानी जी अपने विद्यार्थियों के साथ स्टेशन पर हमारा स्वागत करने के लिए मौजूद थे। नौजवान दोस्तों, महात्मा गांधी हमारे बीच कुछ रोज रहेंगे, इस श्रद्धा और जोश को संभाल कर रखिए, आगे जाकर इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी आप लोग अपने अपने घरों को जाइए, वक्त पड़ने पर आपको फिर आना पड़ेगा। महात्मा जी की जय। महात्मा जी की जय।
पहले रोज महात्मा जी को कृपलानी जी के साथ ही मलकानी जी के घर, और बाद में इलाके के नामी वकील गया बाबू के मकान पर ठहराया गया, और फिर तार देकर जगन्नाथपुरी से बाबू राजेंद्र प्रसाद को, दरभंगा से बाबू ब्रजकिशोर को बुला लिया गया और बात आगे बढ़ी। गया बाबू, चाय पार्टी तो बहुत बढ़िया रही, अब ये बताइए याद किस लिए फरमाया? ब्रजकिशोर बाबू जी, याद मैंने नहीं, गांधी जी ने फरमाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका मनपसंद मुद्दा है जिस पर आपने लखनऊ कांग्रेस में एक रेजोल्यूशन भी रखा था। अच्छा, तो आप चंपारण के किसानों की बात कर रहे हैं? है? उसी सिलसिले में बात चल रही है। बाबू ब्रजकिशोर जी, जी मुझे इस गुत्थी के बारे में खोलकर सब कुछ बताइए ताकि उसे सुलझाने का कोई तरीका ढूंढा जा सके। महात्मा जी, 1300 साल पहले से ही यूरोप के लोगों को नील के पौधे के तिजारती इम्कानात के बारे में पूरी जानकारी है, इसीलिए हमारे देश में आकर उन्होंने नील की खेती को बढ़ावा दिया। वे अपनी रैयत को इसी शर्त पर जमीन देते हैं कि फी 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा पर उन्हें नील की खेती करनी पड़ेगी, और उस पर मालिकाना हक सिर्फ गोरू का ही होगा। अच्छा, इस शर्त को 3 कठिया कानून कहा जाता है महात्मा जी। कानून? एक मिनट राजेंद्र बाबू जी, आप बताएंगे ये कानून से क्या मतलब है? यहाँ मतलब ये महात्मा जी, जमींदारी गोरों की, मुनाफा गोरों का, सरकार गोरों की। उन्होंने अपनी सरकार पर दबाव टाला और कानून बनवा डाला। राजेंद्र बाबू, ये तो शराशर किसानों पर लादी गई बेगार हुई। जी महात्मा जी, निल्हे किसानों के कुछ मुकदमे दीवानी अदालतों में भी चल रहे हैं, पर कुछ होने आने वाला नहीं है उसमें। इन गोरे जमींदारों के जुल्मों का इतना आतंक है कि कोई किसान इनके खिलाफ गवाही देने को आगे नहीं आता। हाँ। राजेंद्र बाबू, फिर तो ये गुत्थी सिर्फ कानूनी दाव पेंच से सुलझने वाली नहीं। देखिए, जब तक यहाँ का किसान निडर नहीं हो जाता, वह अंग्रेज के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। जी, ये कानूनी कागजात तो मैं देखूंगा ही, पर उसके साथ हमें इन बेबस किसानों में हिम्मत भी तो फूंकनी होगी कि नहीं? जी, उसके लिए आप लोग क्या आगे आएंगे? गांधी जी, दुनिया आपका जादू अफ्रीका में देख चुकी है, हमें आप में पूरा विश्वास है। आप बताइए, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? जी बताइए। देखिए, हमें इन अशाय किसानों को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि बिहार ही नहीं, देश का हर छोटा बड़ा इंसान उनके साथ है। पूरा मंसूबा तो बारीकियों समेत हम बाद में तय करेंगे, पर मोटे तौर पर इस मुहिम को दो तरफा तौर पर चलाना चाहिए। हाँ, अब देखिए, पहला काम सबूत इकट्ठा करने का होगा। आप लोग अन्याय के शिकार किसानों को बुला बुला कर उनके बयान लिखिए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो 3 कठिया कानून के खिलाफ आपके पास केस हिस्ट्री तैयार हो जाएगी, और दूसरे इन बेबस किसानों को लगेगा कि उनके दुखों में साथ देने के लिए आप जैसे बड़े बड़े वकील आगे आ रहे हैं। इससे उनकी बहुत हिम्मत बढ़ेगी। जी। उधर मैं निल्हे जमींदारों और
सरकारी अमले से मिलकर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करता हूँ। सही कहा आपने, हम केस हिस्ट्री तो जरूर बनाएंगे, पर इन गोरों और सरकारी अफसरों से मिलना बेकार है, उल्टे आप ही जेल जाने के खतरे में पड़ जाएंगे। जेल, देखिए असफलता से डर कर कदम न उठाना तो कायरता होगी। मैं अपना कर्म जरूर करूंगा, उसके लिए चाहे मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े। मैं इन मजबूर किसानों को मझधार में नहीं छोड़ सकता ना, क्यों जी। बिहार के इन नामी गिरामी वकीलों ने जो कहा कर दिखाया, उन्होंने महात्मा जी का पूरा साथ दिया। अपनी जमी जमाई वकालत को एक तरफ रखकर उन्होंने जैसे अर्जी नवीसी का काम शुरू कर दिया। ना मालूम किस जादू से महात्मा का नाम निलय क्षेत्र के गांव गांव में फैल गया, और गया बाबू के मकान पर जहां अर्जियां लिखी जा रही थी फरियादियों का तांता लग गया। खाने को एक दाना नहीं घर में। हाँ ठीक, आप कहोगे आप लिखोगे, आइए। हाँ आप बताओ आपका क्या है। और उधर महात्मा जी निलय गोरों की जमात के सेक्रेटरी और सरकार के बड़े बड़े अफसरों से भी मिले, लेकिन कोई हल ना निकला। उल्टे उन्हें इस मामले से हाथ झाड़कर बिहार छोड़कर वापस जाने की सलाह दी गई। राजनीति के आकाश पर घुमड़ती बदली को देखकर किसी को समझने में देर न लगी कि महात्मा जी को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लिहाजा फैसला किया गया कि अब तो अंतिम उपाय पिकेटिंग ही है। महात्मा जी की इच्छा थी कि वे चंपारण के किसानों की आंखों के सामने कैद हों। फैसला किया गया कि जिले के प्रमुख शहर मोतिहारी में महात्मा जी पिकेटिंग करेंगे और आम जनता के बीच खड़े होकर गिरफ्तारी देंगे। इलाका दलदली था, पार करने के लिए महात्मा जी को हाथी पर चढ़ाया गया और काफिला चल पड़ा। साथ में थे हजारों दीन दुखी भूखे नंगे किसान। रास्ता अभी आधा भी पार नहीं हुआ था कि ठहरो, रुक जाइए। मोहनदास करमचंद गांधी ताजी रात हिंद के दफा 144 के तहत आपको आगाह किया जाता है कि 5 से ज्यादा आदमियों का जुलूस लेकर चलना कानूनन जुर्म है। नाफरमानी की सूरत में आप पर कानून तोड़ने के जुर्म में मुकदमा चलाया जाएगा। दारोगा साहब, मैं किसी जुलूस को साथ लेके नहीं चल रहा। ये सब गरीब किसान अपनी अपनी मर्जी से मेरे साथ चल रहे हैं। मेरा इरादा किसी कानून को तोड़ने का नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ की हालात जानना चाहता हूँ, इसीलिए मोतिहारी जा रहा हूँ। फिर भी अगर आप मुझ पर कानूनी कार्रवाई करना चाहें तो कर सकते हैं।
18 अप्रैल सुबह से ही गांव-गांव से आते किसानों का रेला मोतिहारी की कचहरी की तरफ उमड़ पड़ा। मुकदमा शुरू हुआ। मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, तुमको तुम्हारा जुर्म बतलाया गया, तुमको इस बारे में कुछ कहना है? मजिस्ट्रेट साहब, मुझे मालूम है कि दफा 188 के तहत मुझ पर मुकदमा चलाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि मैंने चंपारण छोड़कर जाने की आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन नैतिक तौर पर मैं इसे गलत नहीं समझता। जब मेरी ही आंखों के सामने मेरे ही देश के गरीब किसानों पर अत्याचार हो रहे हों, तो मेरा हक बनता है कि मैं बात की तह तक जाऊं और मामले को सुलझाने की कोशिश करूं। ये सब मैं अपने बचाव में नहीं कह रहा, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। मेरे इस कदम से अगर आपका कानून टूटता है या उसका उल्लंघन होता है, तो आप मुझे गिरफ्तार कर जेल भेज सकते हो। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर पुलिस सुपरिंटेंडेंट। यस सर। ये बाहर कैसा शोर है? अदालत इस तरह नहीं चल सकता। सर, बाहर हालात ठीक नहीं है। 2000 लोगों का मजमा खड़ा है। अगर मिस्टर गांधी को सजा सुनाई गई तो भीड़ बेकाबू हो सकती है। आई सी, दैट इज द सिचुएशन। मिस्टर गांधी, हम तुम्हारा फीलिंग समझता, तुम्हारा इंटेंशन भी समझता। केस का फैसला 3 दिन बाद हम 21 तारीख को देगा। तब तक के लिए तुम 100 रुपए जमानत दो और घर जाओ। जी, मेरे पास कोई जमानतदार नहीं है और न ही मैं जमानत पर छूटना ठीक समझता हूँ। आप मुझे जेल भेज दीजिए। ओह, आई सी, यू आर ए स्मार्ट पॉलिटिशियन, पर हम तुम पर भरोसा करता। तुम हमको अंडरटेकिंग दो कि इलाका का पीस नहीं तोड़ेगा और तुम घर जाओ। हार कर हाकिम ने निजी मुचलका लेकर उन्हें जाने की इजाजत दे दी। महात्मा जी अपने डेरे पर लौट आए। हम सब लोग हालात के इस मोड़ पर बहुत खुश थे। याद पड़ता है 20 अप्रैल सन 1917 को ही महात्मा जी पर से मुकदमा हटाने का नोटिस आ गया। खबर ये भी गर्म थी कि न सिर्फ महात्मा जी को अपनी जांच आगे बढ़ाने की इजाजत मिल गई थी, अफसरों को भी हुक्म हुआ था कि जरूरत पड़ने पर वे सब लोग भी इस काम में उनकी मदद करें। 13 जून 1917 को सरकार ने एक कमेटी के मेंबरों का ऐलान कर दिया। महात्मा जी उनमें से एक थे। लगभग 4 महीनों तक कमेटी अपना काम करती रही। राजकिशोर साहब जी, जी जी भाई, सुनने में आया है कि चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों की शिकायतों को लेकर जो जांच कमेटी बनी थी
उसकी सब सिफारिशें सरकार ने मंजूर कर ली। सही सुना आपने मौलाना साहब, बिल्कुल सही सुना। ये सब गांधी जी की कोशिशों का नतीजा ही तो है। मंजूरी के सरकारी लेटर की कॉपी भी हमारे पास है। अरे मुख्य मुख्य बात तो बताइए ना। लीजिए सुनिए, तिनकठिया कानून उठा लिया जाएगा। अभी आगे भी बहुत कुछ है। अरे तो फिर बताइए ना। अरे चुप कहाँ हैं, आगे बोलिए ना। रैयतों से पट्टे उनकी मर्जी के मुताबिक लिखवाए जाएंगे। बखुदा बखुदा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और क्या लिखा है जी? नील का पौधा बेचने की कीमत गोरा लोग नहीं बल्कि खुद किसान तय करेगा। अब हम आपको क्या क्या बताएं, इसमें और भी बहुत कुछ है। हम आप सबको इसकी एक एक कॉपी बनवा कर दे देंगे, ठीक है? इत्मीनान से घर पर पढ़िएगा। ये समझ लीजिए कि महात्मा गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए थे सरकार ने लगभग उन सबको मान लिया। और इस तरह महात्मा गांधी और बिहार के उन जुझारू नेताओं की कोशिशों से 100 साल पहले से चले आ रहे उस काले कानून का अंत हो गया। अंग्रेजी राज पर ये हिंदुस्तानियों की पहली अहिंसावादी चोट थी। ऐसी कितनी ही अहिंसक चोटें खाते खाते अंग्रेजी सरकार को 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत छोड़कर जाना पड़ा। हम आजाद हो गए। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे, मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे, राम नाम शू ताली रे लागी, राम नाम शू ताली रे लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे, वैष्णव जन तो तेन रे कहिए जे पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेन रे कहिए। उजालों का राही। अभी आप जितेंद्र कपूर का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे दानिश इकबाल और प्रस्तुति सहायिका थी विजयलक्ष्मी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे राम गोपाल बजाज, श्याम अरोड़ा, कीमती आनंद, अरुण मारवा, विजय नांगियाल, राजेश आहूजा, राजेश काम्बोज, सतीश आनंद, सुनील कुमार लोहिया, कमल कुमार वर्मा और बनवारी तनेजा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।